दोपहर की शुरुआत होती है श्री के साथ। तो दोपहर की शुरुआत हो रही है हमारी श्री के साथ। जय जय कर दो बेटा, जय जय, जय जय कर दो श्री, जय जय, जय जय करो सबको, जय जय करो श्री। ये बाहर का व्यू देख के ना बहुत ज्यादा खुश होती है और हम लोग आए बाहर। श्री जय जय कर दो बेटा एक बार। श्री श्री अस्थि कैसे, श्री कैसे अस्थि है बाहर, ये कर दीजिए जय, ऐसे अस्थि है श्री जी दो। तो जी हम मिल रहे हैं दोपहर में और दोपहर का बज गया, क्या टाइम हो गया, सवा एक, नहीं वहाँ नहीं दोपहर ही, तो दोपहर के बज गए सवा एक। और ये अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, इसने अभी दूध पिया और अब उसके बाद में इसका मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बाहर खेलते हैं। तो हम लोग बाहर आ गए, अर्जुन इधर पेंट कर रहा है अंदर, मम्मी लेटी है अभी दवाई खा के, अरुण अपने ऑफिस में, और मैंने सोचा चलो नया व्लॉग शुरू करना चाहिए और आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए, है ना। श्री बुआ जी कहाँ है दूसरी, अरे बेटा चिया बुआ कहाँ है, चिया बुआ कहाँ है, कहाँ है बेटा जिड्डो। तो जी सबसे ज्यादा तो एक बात और बताऊँ आपको, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं पिछले 15-20 दिन में, हालांकि मैंने अभी तक उस चीज़ के बारे में कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज मैंने सोचा चलो बताते हैं। आप लोग बार 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 पूछ रहे थे कि आरती कहाँ है, आरती की क्या हालचाल है, उसके व्लॉग भी नहीं आ रहे, वो कहाँ है। तो मैंने सोचा चलो कल भी कमेंट्स आए और अब मैं यहाँ हूँ तो मुझे बताना चाहिए। सियाज गिरेगा, ये स्लिप हो जाएंगे, इधर आ जा। तो आरती है अपने ससुराल, नैनी बैठी रहने दे, गिर जाएगी इधर स्टूडियो में। तो आरती अपने ससुराल है और वो कब गई है, वो 3 मार्च को उसके बेटे का जन्मदिन था, 2 तारीख को चली गई थी, ठीक है। और उसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है, ये बच्चे परेशान ही बहुत करते हैं, सिवा से इसके हाथ मत लगा। उसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है, मतलब पहले उसको माइग्रेन का जो दर्द था ना वो उठता था, वो यहाँ से गई ना जब तक उसका, जब वो लास्ट टाइम उसके वो दूसरा अटैक आया था ना तब से लेके और जब गई है ना अब 2-3 महीने में लगभग, पता नहीं कितना टाइम तो हो गया लेकिन लगभग बता रही हूँ, तब तक उसके माइग्रेन का दर्द नहीं उठा था। और उसके बाद में उसके बेटे का जन्मदिन था तो उसको बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि वो बर्थडे पर अपने बच्चे के पास जाए, और काफ़ी दिन से बच्चा छोड़ रखा था और बच्चे का छोड़े जाते हैं, बच्चों को छोड़ने का मन करता नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब उसको थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा था तो उसने कहा कि ठीक है मैं जा रही हूँ। और कई दिन हो गए, बेटा 1 साल का हो गया, अब 1 साल का हो गया, 1 साल तक छोड़ दिया, काफ़ी है ना, 1 साल तक छोड़ा ही है यार, मतलब कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से उसको उस बच्चे से दूर रहना ही पड़ा, सोम से, सोम नाम है उसका, वैसे हम प्यार से उसको सिकंदर भी बोलते रहते हैं, ठीक है। तो वो फिर उसके सोम के फर्स्ट बर्थडे पर चली गई थी, उसका जन्मदिन आया था। और श्री ये देखो, ये देखो हमारे, ये देखो इसकी क्यूट सी स्माइल। तो उसका जन्मदिन था और साथ साथ, नहीं शोर मत कर बेटा एक बार, साथ साथ फिर ये भी था कि काफ़ी दिन हो गए, एक बच्चा अपनी मम्मी के बिना कैसे रह सकता है यार, मन तो करता ही है ना। तो फिर वो चली गई, फिर उसके बाद में वो आई थी कब, जब मम्मी के हाथ में लगी थी ना, मम्मी की चोट आई थी जब आई थी, वो 2-3 दिन रुक के गई है, फिर उसके बाद में 2-3 दिन रुकने के बाद में वो दोबारा गई है। नहीं धूप में नहीं, नहीं धूप में नहीं, धूप में क्या, जब वो गई है, ठीक है। और शायद तक आज आए, अगर आ जाएगी तो मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी, क्योंकि वो मेरे को कह रही थी कि जीजी आपसे मिलने के लिए, मिलने का मन कर रहा, कल ही उसका फोन आना शुरू हो गया था जब मैं रास्ते में थी, पहुंची भी नहीं थी, तभी कह रही थी कितनी देर में पहुंचेगी, मैंने कहा आज जा, तो कह रही है कि आज तो नहीं आ पाऊंगी, कल आऊंगी। तो आज शायद तक वो आएगी तो मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी। ब्लॉगिंग बंद करने का कारण भी बताती हूँ आपको, ही देखो व्लॉगिंग बंद करने का कारण बताऊं आप लोगों को, तो उसका जितना हो सके उसको आराम की, रेस्ट की जरूरत है, सिवान नाली में चली जाएगी, आराम की, रेस्ट की जरूरत है। दूसरी बात ये है ना कि जब मन करता है वो बना लेती है, जब उसका यूँ रहता है कि नहीं तो वो नहीं बनाती, और हमने भी ये सोचा है कि ठीक है अपना रेस्ट करे, सुकून से रहे, जैसे उसको अच्छा लगे वैसे वो करे,
तो सही भी है वैसे, उसको जितना अच्छा लगे वैसे करना चाहिए, है ना। और ये देखो जीव, इसको मना कर दिया, लेकिन शिवांश मान जा बेटा, धूप में मत खेल। दिखाओ एक बार क्या कर रही है, दिखाओ एक बार। दिखा, मुझे देख रही है खेलने के लिए तो। मम्मी बार बार इसको गोदी में चढ़ा रही है, दूसरी सीढ़ी पे आ रही है, खुद खड़ी हो जाएगी इधर से। भैया कहाँ है बेटा, भैया भैया कहाँ है, भैया नाच के दिखा दो, श्री डांस करके दिखाओ बेटा, डांस। ये रोक के भी दिखाती है, रोक के दिखा दो। सुबह मैंने बोला श्री कैसे रोती है, कैसे रोती है श्री। सुबह क्या कर रही है पता है क्या, मैं बोली कैसे सोती है श्री, तब यूं करके दिखा रही है, गाने में बोली ये रोक के दिखा रही है। तो जी मेरे को लगता है आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मैं दे दिए, और कोई सवाल हो आप लोगों का तो इस नीचे बता देना। हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में, बाय, टेक केयर।